फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल मूविंग व्हील्स पे। और आज आप देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक ट्रियो व्हीकल, जो कि थ्री व्हीलर गाड़ी है, जो कि लोड सेगमेंट की गाड़ी है। अगर आप इसका पैसेंजर व्हीकल देखना मिस कर गए हैं तो मैं आई बटन में इसका एक लिंक दे दूंगा, वहां क्लिक करके आप इसके पैसेंजर वेरियंट को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी का नाम है ट्रियो जोर, जो कि जोर के नाम से आती है। ये इसका हेडलैम्प देख रहे हैं आप, नॉर्मल सा हेडलैम्प है। टर्न इंडिकेटर आप देख सकते हैं सामने। ये इसका 10 इंच का व्हील। पैसेंजर वेरिएंट का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉयल स्प्रिंग टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं और 10 इंच का टायर मिलता है इसमें आपको। व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन इसमें आपको देखने को मिलता है। ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ट्रेडिशनल जो महिंद्रा का ग्रिल डिज़ाइन है वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, ब्लू कलर से उसको हाईलाइट किया गया है। ये इसका चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और 100+ किलोमीटर कंपनी ये दावा करती है कि 100+ एक बार में ये दूरी तय करेगी। ये ड्राइवर का सीट आप देख सकते हैं, डुअल कलर में इसकी अपॉर्चुनिटी है, वाइट और ग्रे कलर में। यहाँ पे नीचे आपको एक छोटा सा हैंडब्रेक मिल जाता है, जो कि जनरली ऑटो में देखने को आपको नहीं मिलता है। तो काफ़ी अच्छी व्हीकल है, आने वाले भविष्य में ये सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आएगी। अगर आप जानना चाहते हैं गाड़ी कब आएगी, तो आप ये मान के चलो कि अभी आपका मार्च चल रहा है, अप्रैल के बाद से ये गाड़ी आपको हो सकता है कि मार्केट नज़र आए। यहाँ पे आपको ये गियर इसका मिल जाता है, फ्रंट न्यूट्रल और रिवर्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें आपको गियर लीवर नहीं मिलेगा। और ये महिंद्रा का एक नीमो एप्लीकेशन है, इस नीमो एप्लीकेशन के माध्यम से अपने आप गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं कि गाड़ी हमारी कहाँ है, कितने किलोमीटर अभी चलनी है। बहुत सारी आप चीज़ें इसमें आप इसके माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये फ्यूचरिस्टिक ऑटो है, इसमें आपको पैसेंजर और लोड दो वेरियंट देखने को मिल जाएगा। इसके रूफ की कलर की बात करें तो वहाँ पे भी आपको ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ये इसका कार्गो बॉक्स चैसी कुछ इस तरीके से इसकी देखने में लगती है, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 बोल्ट मिल जाते हैं इसमें आपको टायर में। और इसकी चैसी पे भी कुछ ब्लैक फिनिश मिल जाती है, चैसी हालांकि ब्लैक फिनिश में सारी गाड़ियों की आती है, ज़्यादातर गाड़ियों की। और अगर इसके हम कार्गो बॉक्स की बात करें तो उस पर भी आपको एक आकर्षक स्टिकरिंग मिल जाती है महिंद्रा की तरफ से, वाइट और ब्लू में। यहाँ पे इसका इंजन, हालांकि एक बैटरी व्हीकल है तो इसमें आपको इंजन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा बैटरीज का बैटरी यूनिट, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी के पीछे। ये कंपनी ने इसको ओपन कर रखा है जिसको आपको ये दिखा सके। यहाँ पे आप व्हील भी एक मिल जाता है जिसको हम स्पेयर व्हील बोलते हैं। तो स्पेयर व्हील का भी ऑप्शन आपको ऊपर ही मिल जाता है कार्गो बॉक्स के जस्ट नीचे। ये इसके टेल लैंप हैं। और इसके हम चैसे की बात करें तो चैसे इस तरीके से इसका डिफरेंशियल, और लोड सेगमेंट की गाड़ी है तो इसमें आपको पट्टा कमानी भी मिल जाती है, जिसको हम पाटा कमानी बोलते हैं। दोनों साइड आपको पाटा कमानी मिल जाती है, जिसकी सहायता से आप अच्छे खासे लोड को इस पर कैरी कर सकते हैं। ट्रियो जोर की पीछे आपको नंबर प्लेट पर स्टिकरिंग मिल जाती है, महिंद्रा की बैजिंग मिलती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कंप्लीट या इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको इस पर लिखा हुआ मिल जाएगा इसके कार्गो बॉक्स पे। और रेड कलर का रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलता है आपको कार्गो बॉक्स पे। इसके कार्गो बॉक्स की खासियत यह है कि ये आराम से 3 साइड से ओपन होता है, आराम से अपने लोड को आप आसानी से इसके कार्गो बॉक्स में कैरी कर सकते हैं या लोड कर सकते हैं। लोडिंग और अनलोडिंग काफ़ी ईजी रहेगा इस गाड़ी में। तो ये गाड़ी है कम्प्लीटली। अगर आप गाड़ी पैसेंजर सेगमेंट में कैसी गाड़ी आती है वो देखना मिस कर गए हैं तो आप, मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर के इसके पैसेंजर वेरिएंट के बारे में भी जान सकते हैं। आगे विंडशील्ड काफ़ी बड़ा मिलता है, उस पर एक वाइपर मिलता है। अगर इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे फीचर्स भी डिस्प्ले किया गया है। ये गाड़ी डिस्प्ले हुई है ऑटो एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में 2020 में, जो कि फिर महीने में लगा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंटिंग महिंद्रा इंडियाज फर्स्ट L5M इलेक्ट्रिक कार्गो, लिथियम आयन बैटरी इसमें लिखी हुई है, मेड इन इंडिया, कम्प्लीटली एक इंडिया में बनाई हुई गाड़ी है महिंद्रा की तरफ से। और इसके कुछ की हाईलाइट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके माध्यम से आप जान सकते हैं गाड़ी में क्या खासियत है, या आपकी सेविंग को कैसे इंक्रीज करती है, इसका परफॉर्मेंस कैसे अच्छा है। ये बैटरी से चलने वाली गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसकी टेक्नोलॉजी भी सुपीरियर है। एर्गोनॉमिक डिज़ाइन इसकी है। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इसमें कुछ स्पेशल फीचर भी महिंद्रा ने हाईलाइट किए हुए हैं, जैसा कि आप नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी में देखेंगे, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। और इसमें सर्विस की भी डिटेल दी हुई, 1400 एग्जिस्टिंग महिंद्रा के टच पॉइंट हैं जहाँ से आप इस गाड़ी को सर्विस करा सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, पैसेंजर का मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा, तो मुझे लगा पैसेंजर के साथ साथ लोड सेगमेंट का भी वीडियो शेयर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। जल्दी मिलेगा किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड बाय। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।